चाय के ताजगी की सबसे खास बात खसूसियत ये है कि ये भट्टी में उबलता है, बहुत बड़े नार टाइप का बना हुआ, वही जो भी बोलते हो आप लोग अपने लैंग्वेज में। पुलिस ने कहा बहुत शानदार है और मैं आपको ना गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स। और आज हम निकल रहे हैं बाराचट्टी का सबसे फेमस टी शॉप टी स्टॉल श्रीराम होटल के लिए, जो सबसे फेमस है पूरे बाराचट्टी के लिए। तो सीधे मिलते हैं वही चाय के स्टॉल पर और चाय की चुस्की के साथ। हमारे साथ डॉक्टर महोदय भी हैं, इधर देख लीजिए। हाय बोलो। हाय ब्रो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ माइनस वन ब्लॉग्स के साथ। फाइनली श्रीराम होटल पहुँच चुके हैं हम लोग और अभी यहाँ पे एक किवाड़ी का दुकान है, यहाँ पे कुछ काम था हमारे ड्राइवर को तो यहाँ पे स्टॉप किया है और यहाँ से बस निकलते हैं कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद फिर आपको सीधे मुखातिब होंगे आपसे श्री राम होटल में। उसका मैं दृश्य भी दिखाऊंगा। अभी वहाँ पे एक कॉलेज भी है, अगर आप डोभी बॉर्डर क्रॉस करके बाराचट्टी की तरफ आते हैं गजनी डिस्ट्रिक्ट में तो निश्चित तौर पे वो बाराचट्टी से पहले मायापुर जगह है, जगह का नाम मायापुर है, तो वहीं पे ये फेमस है, बहुत फेमस है, लोग दूर दूर तक गोभी तक इसकी पहचान है, श्रीराम होटल के नाम से लोग इसे जानते हैं। तो आपको वहीं मिलूँगा मैं डायरेक्टली, तो बने रहें हमारे साथ। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं विश्वनाथ सिंह महाविद्यालय BNS कॉलेज है मायापुर में, इसके जस्ट बगल में श्रीराम होटल, वन ऑफ द फेमस टी स्टॉल टी शॉप। अभी मैं पहुंच रहा हूं, बस कुछ ही क्षणों के बाद ये बोर्ड जो देख रहे हैं आप, इधर से ये रास्ता जाता है छोटे छोटे गांवों की जानिब और ये श्रीराम होटल के प्रांगण में हम पहुंचने वाले हैं। ये देखिए श्रीराम होटल का बोर्ड दिख रहा हो, ये ऐसी फैमिली रेस्टोरेंट भी है ये। और फाइनली गेट पे आगमन हो चुका है। ये देखिए बोर्ड श्रीराम होटल का और ये हमारे दो चिमकांडी यहाँ पे बैठे हुए हैं और नज़रें हटा करके ये देखिए एक टोपी वाला जो है चिमकांडी, वो अपना ही लड़का है। वालेकुम सलाम। ये दोनों यहाँ बैठ के टाइम वेस्ट करता हुआ बहुत, हाँ बहुत बढ़िया, तुम भी बोलो हाय। हाय। हाँ ठीक है बढ़िया। और ये मेन बोर्ड आप देख सकते हैं श्रीराम होटल का, ये यहाँ पे घूमती है, यहाँ पे सुट्टा मिलता है एक नंबर का, कभी पीना हो तो आइए हमारे साथ, हम भी पियेंगे आप भी पीजिएगा। अरे हमारा ड्राइवर महोदय पहुँच चुके हैं जगह पर, आपको मैं अब चाय बनता हुआ दिखाऊंगा, भट्टी तपती हुई चाय के लिए, वन साइड चढ़ा हुआ। और बाराचट्टी क्षेत्र का वन ऑफ द फेमस टी स्टॉल इसको कह सकते हैं, जहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। और ये श्रीराम होटल पर मुलाकात हो रही है मुंबई के एक साथी से, मुंबई के एक दोस्त से जो हाल ही में मुंबई से आए हैं, बिकॉज़ यहाँ पे एक शादी का ओकेज़न है, शादी फंक्शन में आए हुए तो श्रीराम होटल में मुलाकात हो गई इनसे। ये रेहान है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो यूट्यूबर ही है, बट अभी शॉर्ट्स वीडियो बनाते ये क्रिएट करते, तो इनके साथ मेरी मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद हो रही है। अभी साथ में ही चाय चलेगा, अब फिलहाल रबड़ी की बारी है तो मैं उसको खाता हूँ। हमारे भाई रबड़ी भी खा लें। अरे बहुत लजीज बना वो भाई बहुत। अबे वैसे फिर हम यूट्यूब में ना होगा यार, स्क्वायर चलेगा ना, चाहे यूट्यूब पे डाले ऐसे रख, ऐसे मतलब उससे दिक्कत हो जाएगा फिर लोग बनागा तुमको बताई ना था। खाने का ध्रुव देख का चिरा बे चल जा रहा है। थैंक यू थैंक यू, खर्चा करने के लिए भाई। हाँ यहाँ की रबड़ी भी बहुत शानदार होती है, खाके मैं देखाऊंगा। अब यार आइए कभी झारखंड जाना हो अगर इस रास्ते से तो यहाँ ज़रूर स्टे कीजिए आप, यहाँ आपको शानदार बिहार का फेमस रबड़ी मिलेगी। ऐसे भी रबड़ी कहा जाता है डोभी का फेमस, तो डोभी से थोड़ा ही दूर पे।
मोहब्बत का रंग कुछ इस तरह मिलाएंगे। ये शायराना अंदाज चलते हुए हमारे ड्राइवर महोदय, आई मीन ड्राइवर साहब, आओ कभी हमारे शहर में, तुम्हें इश्क की चाय पिलाएंगे। क्या बात है, आ गया तू, आ गया। इधर देख, इधर रबड़ लेके, इधर फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा, फ्रंट कैमरा। इधर आओ, कुर्सी को थोड़ा टेपर कर। ऐसा कौन है यार, कैमरा को फाड़ दे, खराब हो गया फोन यार। अबे गिर गिर के सब ऐसा हो गया। जी आया, गिलास का मतलब पानी बोतल उठा लिया, चट से नीचे। कौन है बे, उसको मैंने कहीं देखा है? ये हमारे साहब। अरे बैठ ना वहाँ, तू ऐसे टेपर कर ना, सामने आ गया तू, नीचे का ही आ इधर, कैमरा मत कर। यूट्यूबर बोल रहे हो, गाली देते हुए यहाँ पे, ये यूट्यूबर घंटा बन पाएंगे तब मेरे सामने पैदा हुआ है, और यूट्यूबर के बाद कभी ये शायर, कभी ये शायर, कभी ये भी किसी के सामने पैदा हुआ होगा, अभी किसी के सामने पैदा हुआ होगा। कैमरा बंद कर, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ब्लॉग दिन में रहता है, 18 प्लस वाला रहता है। Not for kids. ये हम लोग क्या खा रहे हैं? ये रबड़ी बोलते हैं। रबड़ी। क्या आपको रबड़ी दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये देखिए, दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? ये देखिए, ये है रबड़ी। हाय बाय कर, ठीक है चलो फिर, चलो चाय ढलता हुआ। ओ माय गॉड, क्या सीन, बिकॉज दो लोग पहले ही पी चुके थे, इसलिए दो ही लोग का मैंने ऑर्डर करा। देखिए, कभी अगर आपको झारखंड जाना हो तो इस जगह पे स्टे ज़रूर कीजिएगा, होट से होट ना सट जाए तो बेकार है। जी, चाय, ये टपरी और ये सारे बिस्किट्स के आइटम, लस्सी और ये लस्सी वगैरह भी है, पानी भी है, और ये ओनर साहब, ये देखिए रबड़ी सजा हुआ। एक बार मैं आपको रबड़ी दिखा दूँ, बहुत शानदार होता है यहाँ का रबड़ी, ये बिस्किट अनेक तरह के। ये देखिए, ये टपरी और ये इतने बड़े में दूध उबलता हुआ, ये चाय उबलता हुआ। बहुत शानदार चाय बनता हुआ इधर इधर कतली, और अभी भी है। चाय के ताजगी की सबसे खास बात, खसूसियत ये है कि ये भट्टी में उबलता है, आई मीन बहुत बड़े नार टाइप का बना हुआ, वही जो भी बोलते हो आप लोग अपने लैंग्वेज में। पुलिस ने कहा, संजय यादव, बहुत शानदार है। और मैं आपको ना